तो भाई ये तो अभी तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया, अभी तुम एनिमी का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लो। अभी इस हैकर को मैंने 2-3 हफ्ते पहले रिपोर्ट किया था और ये अभी तक बैन नहीं हुआ। अब बैन हो कौन रहा है वो भी देख लो। अभी मैं यहाँ पे प्लेन में हूँ, जैसे ही मैं जंप का बटन दबाता हूँ भाई यहाँ पे मेरी आईडी बैन हो जाती है। अब हालांकि ये बैन आधे घंटे का था, पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भाई जो लोग ये चीटिंग वगैरह कर रहे हैं ये बैन क्यों नहीं हो रहे हैं, और जो बंदे सही में लेजिट तरीके से अच्छा खेल रहे हैं भाई उनकी आईडी बैन हो जा रही है। और यार इन हैकर्स की वजह से ना भाई रैंक पुश करने का मन भी नहीं करता है। अब वैसे तो मैं इस सीजन भी डे 3 में कॉन्करर पहुंच चुका था और एक हफ्ते तक मैं कॉन्करर पे भी रहा, टॉप 100 भी मेरा हो गया था, पर भाई इस बीच मुझे इतने ज़्यादा हैकर मिले ना कि भाई अब मेरा रैंक पुश करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो भाई मैंने कॉन्करर लॉबी पे सोलो से स्क्वाड खेलना चालू कर दिया, अभी मेरे को कोई रैंक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आज की वीडियो में तुम लोगों को कॉन्करर लॉबी का सोलो से स्क्वाड का गेम प्ले तो देखने को मिलने ही वाला है, साथ में भाई तुम्हारे भाई ने ना आज की वीडियो में हैकर्स को भी पकड़ पकड़ के पेला है, तो भाई आज की वीडियो में ना बहुत मजा आने वाला है। तो अभी के लिए भाई मैं मिलिट्री बेस में कूद जाता हूँ। एंड भाई यहाँ पे ना बहुत सारी टीम्स आती है, मतलब तुम लोग देखोगे ना कि जैसे ही मैं एक टीम मारता हूँ भाई दूसरी टीम मेरे ऊपर रश कर देती है। अभी के लिए देखो मुझे यहाँ पे दबदब मिल जाती है और सामने से भाई दो बंदे मेरे ऊपर रश कर रहे थे, तो अभी एक बंदा मेरे ऊपर नेड कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैं रूम के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक नेड पिन करता हूँ। अब इन दोनों को तो मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया था, पर इनके जो टीममेट्स थे ना वो सामने वाली बिल्डिंग में थे और उनको दूसरी टीम मार देती है, तो अभी दूसरी टीम के ऊपर भी रश कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस टीम को मारता हूँ यहाँ पे एक और स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देती है। अब इसके बाकी के बंदे नीचे थे तो फटाफट से हीलिंग करके नीचे जाते हैं। और भाई ये स्क्वाड ना बहुत अच्छा खेल रही थी और भाई जो इनका लास्ट वाला बंदा था ना ये पूरा कवर टू कवर खेल रहा था, तो हम दोनों की यहाँ पे बहुत ही इंटेंस और लंबी फाइट खिंच जाती है। और इसी के साथ इस लास्ट वाले बंदे का भी खेल खत्म कर देते हैं। तो भाई ऊपर हिल पे थे बंदे, तो मैं यहाँ पे आके कवर में गाड़ी लगा देता हूँ, तभी इनका एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। अब जैसे ही मैं इस बंदे को मारता हूँ ना भाई इसके टीममेट्स पूरे गुस्से में भाई यहाँ पे मेरे ऊपर रश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने इन बंदों को अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, तो ये पीछे वाले कंपाउंड में जाके हीलिंग करने के लिए रुकते हैं, तो मैं फटाफट से गाड़ी उठा के इनके ऊपर रश कर देता हूँ। अब बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि भाई बिल्कुल कैंप करके खेल रहा था। एंड लास्ट वाले बंदे का मुझे सामने से साउंड आ जाता है, तो इस पर भी रश कर देते हैं। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है एक हैकर स्क्वाड के अगेंस्ट में। तो भाई देखो पानी के उस पर जोन बना था, हमें जोन में जाने के लिए ना पानी को क्रॉस करना था। अब देखो टाइम कम बचा था तो मैं निकल जाता हूँ सीधा जोन की तरफ, और देखो अभी मैं पानी के बिल्कुल अंदर हूं तो कोई चांस नहीं कि कोई बंदा मुझे स्पॉट कर ले, है ना। भाई साहब वो बंदा कम से कम 300 मीटर दूर से मुझे पानी के अंदर मार रहा है। अब जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे सरवाइव तो कर लेता हूँ, पर भाई सामने ना भाई बंदा खड़ा हुआ था एक कैंप करके बिल्कुल ही। अब देखो यहाँ पे ये बंदा अगर हमें स्पॉट कर लेगा ना तो भाई बहुत ही गलत सीन हो जाएगा,
तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई थोड़ा पानी का डैमेज खा लेंगे, पर भाई इसको स्पॉट नहीं होना है। पर भाई जैसे ही मेरा टीममेट बाहर जाता है ना, मेरे टीममेट को स्पॉट कर लेता है, तो अभी इसको मारते हैं। अभी इसका ध्यान मेरे टीममेट पे था, तो इसको तो मैं मार देता हूँ। अब यहाँ पे अभी के लिए तो मेरे पास जोन था, पर भाई अगले वाला जोन तो सीधी सी बात है मेरे ऊपर बनेगा नहीं, और ऐसा ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि भाई हैकर वाली स्क्वाड की दूसरी टीम के साथ फाइट हो जाए, तो हम वहाँ पे रश कर देंगे। अब जैसे ही हैकर स्क्वाड की दूसरी स्क्वाड के साथ फाइट होती है, मैं यहाँ पे कहता हूँ अपने टीममेट से कि भाई स्मोक को गैर करके सीधा बंदों पे रश कर देते हैं। अब यहाँ पे भाई मैं तो सही टाइम पे पहुँच जाता हूँ, पर भाई मेरे टीममेट को ना स्मोक के अंदर ही बंदा पेल देता है। तो अभी ऊपर जाते हैं। और भाई ये क्या देख लिया मैंने, यहाँ पे इतनी गंदी कैंपिंग चल रही थी, मतलब ये बंदे ना यहाँ पे बिना फुट स्टेप दिए बैठे हुए थे। अभी यहाँ पे बची थी हैकर की स्क्वाड और मैं यहाँ पे अकेला बचा था, तो अभी ये लोग मेरे ऊपर नेट वगैरह करना चालू कर देते हैं। अब देखो ये तब का गेम प्ले है जब मैं टॉप 100 के लिए ट्राई कर रहा था और मेरा ऑलरेडी कॉन्करर लग चुका था, तो मैं यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहा था कि भाई मेरा चिकन निकले। तो भाई मैं हैकर से ना बिल्कुल भी डायरेक्टली फाइट लेना नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई नेट से उस बंदे को फोड़ दूं। पर भाई यहाँ पे नेट से फोड़ने के चक्कर में ना जिसको भी नॉक किया था वो भी रिवाइव हो जाता है। तो अभी मैं दबदब पकड़ के बंदों पे रश कर देता हूँ। और इसी के साथ इस स्क्वाड का भी खेल खत्म कर देते हैं। तो भाई मैं रिकॉल होके स्कूल अपार्टमेंट कूदा था, तभी भाई पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर रिकॉल होके कूद जाती है। तो अभी देखना। अब इनका लास्ट बंदा अपने टीममेट को नीचे रिवाइव दे रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पे इन बंदों को मारता हूँ ना, यहाँ पे एक और टीम रिकॉल होकर आ जाती है, तो इन पे भी रश करते हैं। अब इसके बाकी के बंदे अंदर कैंप करके बैठे हुए थे, क्योंकि भाई जैसे कि तुम्हें पता है मैं अभी हाई टीयर पे खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे ना लगभग पूरी कॉन्करर लॉबी आ रही है, तो भाई यहाँ पे ना कोई भी नहीं चाहता कि उसकी माइनस हो, तो भाई पूरा सेफ खेलते हैं बंदे। तो अभी देखो इनको कैसे मारता हूँ। अभी जैसे ही मैंने ये टीम मारी, यहाँ पे एक और टीम रिकॉल होकर आ जाती है। एंड भाई इन बेचारों के साथ तो यहाँ पे बहुत ही गलत सीन हो गया। खैर मेरे ऊपर थे बंदे, तभी मुझे पीछे से गाड़ी का साउंड आता है, तो मैं एएमआर निकालता हूँ। अब एक को तो मैंने यहाँ पे एमआर से नॉक कर दिया था, दूसरे को मैं लो कर देता हूँ तो वो जोन से नॉकआउट हो जाता है। अब बचे थे ऊपर वाले बंदे जो कि नीचे जंप कर देते हैं। थैंक यू। अरे अंधी मार दिए इसने। और इसी के साथ इनका भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी क्या सामने वाले कंपाउंड में बंदे थे, तो हम सीधा बंदों पे रश कर देते हैं। अभी जैसे मैं अंदर आता हूँ ना भाई, यहाँ पे हमारे ऊपर ग्रेनेड्स वगैरह आने चालू हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्मोक करता हूँ और सीढ़ियों में आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि भाई सीढ़ियों में सबसे कम चांसेस होते हैं नेड्स आने के। और इसी के साथ दब दब से इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी मैं जा रहा था सामने शॉप पे, तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। गाइस अपना अगला क्लच होने वाला है फिर से एक हैकर की अगेंस्ट में। तो भाई देखो मैं यहाँ पे पोचिंग की में था, तभी हमारे ऊपर ना एक स्क्वाड रश कर देती है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नेड वगैरह करता हूँ, तभी मुझे नीचे से एक बंदे का साउंड आता है। और भाई इस बंदे की स्पीड देखो एक बार।
अब जैसे ही स्पीड हैकर को मारता हूँ भाई, इसके जो टीममेट्स है ना उनको मेरे टीममेट्स मार देते हैं। और अभी तुम लोग सोच रहे हो कि भाई फाइट खत्म हो गई, पर नहीं, अभी ये लोग ना भाई यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए वापस रिकॉल होकर आते हैं। और अभी देखना यहाँ पे क्या होता है। किधर वाले के लिए? Awesome. भाई हैक लगा के प्रो थोड़ी बन जाओगे तुम। अभी गाइस मैं अपनी टीम के साथ स्कूल में जा रहा था, तभी सामने से एक गाड़ी आ जाती है। अब दब दब से यहाँ पे दो बंदे नॉक कर देता हूँ, बचे थे बाकी के दो बंदे तो उन पे भी रश कर देते हैं। तो भाई स्नो विलेज ना प्लेन पाथ से बहुत ज्यादा दूर था, तो हम लोग गाड़ी लेके स्नो विलेज जा ही रहे थे, तभी पीछे से पूरे के पूरे चार बंदे आ जाते हैं। दोनों किए, बचे थे बाकी के दो बंदे। और ये बेचारे यहाँ पे बिना रिकॉल के मर जाते हैं। खैर अभी सामने से मुझे बंदों की गाड़ी स्पॉट होती है, तो मैं सीधा बंदों पे रश कर देता हूँ। और भाई ये बंदे यहाँ पे बहुत ही गंदी कैंपिंग करके बैठे हुए थे, तो सबसे पहले तो मैं घर के अंदर कवर में जाता हूँ। अब इनका लास्ट बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा था, तो उसको भी पकड़ते हैं। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है फिर से एक हैकर के अगेंस्ट में। अभी सामने से कोई बंदा सप्रेसर लगा के एकेएम चला रहा था, तो भाई मेरे पास स्नाइपर थी तो मैं सोचता हूँ कि भाई बंदे को स्पॉट करेंगे। और इस बंदे के पास भाई यहाँ पे ना एम बोट था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि बिक्सी भाई फालतू का क्या बहाने बना रहे हो, भाई नॉक हो गए तो मान लो ना। तो भाई अभी तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ। अभी देखो सामने बंदा पेड़ पे आ चुका है, तो मैं एक नेट पिन करता हूँ। और भाई बंदे का तुम एक बार कॉन्फिडेंस तो देखो भाई, ओपन में खड़े होके भाई एकेएम चला रहा है यार। अभी इस बंदे को मैंने यहाँ पे नॉक किया, अभी तुम लोग देखना इसकी स्पीड देखना तुम। पहले तो पीछे से एक बंदे का साउंड आ रहा है। भाई ये देखो इसी स्पीड की बात कर रहा था भाई, नॉक होके इतनी तेज कौन जाता है। तो भाई ये वही बंदा था जिसने एम बोट लगा के मुझे नॉक किया था। इसका एक टीममेट पीछे पेड़ पे था जो कि मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो मैं यहाँ पे एक दो नेड करता हूँ। और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। तो भाई अपने इस वाले मैच में भी एक पूरी की पूरी एक हैकर स्क्वाड आई होती है और उनसे अपनी फाइट भी होगी आगे। तो सबसे पहले तो मुझे सामने से बंदों को साउंड आ रहा है। और यार यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा 1v4 होते होते रह गया। अभी हमें ऊपर हिल से बंदों की फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो हम लोग एक आध नॉक निकालने का ट्राई करते हैं। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मेरा टीममेट ऐसे हैकर हैकर क्यों चला रहा है। तो देखो भाई अभी मेरे टीममेट ने ना एक ऐसा बंदा देखा जिसने कि भाई बहुत ही गंदा स्पीड हैक लगाया हुआ है, और अभी तुम लोग देखते रहो। और भाई ये बंदा मेरे टीममेट को एकेएम की दो दो गोलियों में नॉक फिनिश डाल देता है। अब जो हादसा मेरे टीममेट के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो भाई मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ। पीछे से गाड़ी आ गई। अभी पीछे से एक और स्क्वाड आ जाती है, तो मैं अपने टीममेट्स को कॉल देता हूँ कि पहले पीछे वाले बंदों को क्लियर करेंगे, नहीं तो भाई ये हम लोगों को सैंडविच कर सकते हैं। अभी सामने से एक बंदे का साउंड आता है, तो मैं एक नेट पिन करता हूँ। अभी एक बंदा ऊपर भाग जाता है और एक और बंदे का मुझे पीछे से साउंड आ रहा था, तो मैं एक और नेट पिन करता हूँ। अरे उसको उठा ले रे, उठा रहा हूँ ना।
अभी ऊपर से एक और बंदे का साउंड आ रहा था, तो मैं एक नेड पिन करता हूँ। और इसी के साथ इस बंदे का भी खेल खत्म कर देते हैं। अब जब हम लोग इस टीम से फाइट ले रहे थे ना, तब हैकर की स्क्वाड मेन बिल्डिंग में आ जाती है, तो मैं हैकर्स पे सीधा रश कर देता हूँ। अब जैसे तैसे मैं यहाँ पे रिवाइव हो जाता हूँ और उसके बाद मैं सीढ़ियों में एक मोली करता हूँ ताकि ये लोग अपने रूम से बाहर ना निकल सके। और अभी देखना, nice. भाई मतलब तुम लोग देख रहे हो, इन लोगों ने हैक तो लगा लिया पर भाई इनका साउंड सेंस गेम सेंस बिल्कुल जीरो है। और अभी तुम लोग एक बार ना इस बंदे की स्पीड देखना भाई, क्या है ये भाई, मतलब स्पीड हैक भाई फ्री में बट रहा है क्या, मतलब हर बंदा स्पीड हैक लगा रहा है। अभी एक का साउंड आया और ये भाई साहब यहाँ पे बाहर खड़े होके हील कर रहे थे। और यार अगर तुम लोग भी हैक वैक लगाते हो ना, तो यार तुम लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, भाई मत लगाया करो, फालतू में तुम लोगों की आईडी बैन होगी और कुछ मिलेगा नहीं तुम्हें। बाकी एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी गेम हो उसको खेलने में मज़ा तभी आता है जब तुम उसको पूरी ईमानदारी के साथ खेलो और उस गेम में थोड़ी डिफिकल्टी हो। और अगर तुम लोग हैक लगा लोगे यार, तुम लोगों के लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा, तो गेम खेलने में मज़ा ही क्या आएगा। तो भाई सही से खेलो अपना, मतलब पूरा फेयर गेम प्ले रखो और इन्जॉय करो गेम को। तो भाई मैं आ जाता हूँ रिकॉलो के पोचिंग की में, एंड भाई यहाँ पे जैसे ही आता हूँ ना, यहाँ पे निकलते हैं पूरे के पूरे चार बंदे। तो अभी देखना यहाँ पे कैसे फाइट निकालता हूँ। अभी जैसे इस बंदे का नॉक करता हूँ, पीछे से इसके बाकी बंदे आ जाते हैं। अभी ये स्नो विलेज की फाइट्स भी एंजॉय करो। अभी एक को मारा, बच्चे थे इसके बाकी के तीन बंदे, तो सबसे पहले गन रिलोड करता हूँ। अब बचे थे लास्ट के दो बंदे, तो सीधा रश कर देता हूँ। सो गाइस अभी चलते हैं अपने अगले क्लच पे, जो कि अगेन एक हैकर के अगेंस्ट में है। अभी तुम देखते जाओ बस। भाई इस बंदे के पास एम बोट था और ये बहुत ही गंदा मार रहा था, मतलब इसकी गोलियां देखना कैसे चिपकती हैं। बहुत गंदा एम है भाई। दबदब के सामने कोई बोल सकता है क्या? अभी गाइस इसके बाद ना ही हैकर से अपनी दोबारा फाइट होती है और भाई इसको दोबारा यहाँ पे पेल देता हूँ मैं। सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।